भी वो लड़का ठीक नहीं है आपके लिए, दूर रहे उससे। तुम्हें बड़ा पता है लड़कों के बारे में, पीएचडी की हुई है तुमने। हाँ पेप, मैंने अपने कई दोस्तों से सुना है कि वो लड़कियों में घूमता है और तुम्हारी दोस्तों को कुछ नहीं पता, बकवास करती हैं वो। कुछ ढूंढ रही हैं? जी, अपना फोन। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं थैंक यू, ढूंढ लूंगी। बेल देके देखें ना, जहां होगा पता चल जाएगा। अगर मेरे पास फोन होता तो ढूंढ क्यों रही होती? आप समझी नहीं, मेरा मतलब है मेरे फोन से बेल देकर देखें। नहीं, मेरी बहन है, मैं उसके फोन से बेल दे दूंगी। थैंक यू। आपकी बहन अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी है, खामा खामे फैमिली को क्यों स्ट्रेस दे रही है? बेल ही तो देनी है, लीजिए। थैंक्स। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये माही के फोन पे किसकी कॉल आ रही है? मेरा देखो जरा, ये बताओ माही को किसकी कॉल आ रही है। बेल जा रही है लेकिन कोई पिक नहीं कर रहा। थैंक्स। आप ही, आपका फोन अम्मी के पास था, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। लाओ तो इसी को तो ढूंढ रही थी। थैंक यू। चलो चल। साहब मिया, ये सोफे पर क्यों सो रहे हो? नहीं, वो तो वैसे ही मैं। अम्मी, इसमें ज्यादा की कोई गलती नहीं है, आप इसे कुछ मत कहिएगा। वो तो मैंने कहा था सोफे पे सोने का, वो तो मना कर रही थी मुझे। इस बेवकूफी की तुम दोनों से उम्मीद नहीं थी मुझे। मियां बीवी हो तुम दोनों, अगर खुदा ना खास्ता किसी और ने देख लिया हो तो कितनी बातें मुझे सुननी पड़ती। सॉरी अम्मी, ऐसे कोई बात। बस और कुछ नहीं सुनना मुझे, आइंदा मेरे घर में ये तमाशा ना चले, समझे ना तुम दोनों? जेमी, साथ तुम्हें बेड पर सो जाओ। मैं ठीक हूँ ज़रा। साथ मैं नहीं चाहती कि जो आज हुआ है वो रोज रोज हो। मैं भी इसे बात कर लूंगा। साथ प्लीज मेरा और तमाशा मत लगवाओ। खत्म जाने कब होगा ये सफर, कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी।
एक महीना हो गया हमारी दोस्ती को, अब तो मिलने आ जाओ। मिलने? हाँ, आइसक्रीम खाएंगे बाहर जाके, शॉपिंग कर लेंगे। फहद, मैं इस तरह बाहर नहीं जाती किसी के साथ। कम ऑन यार, तुम्हारी बहन तो घूमती फिरती रहती है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती है। ऐसा तुम्हें लगता है? सहरिश बता रही थी ये लोग बहुत घूमती फिरती है, तुम भी आ जानो उनके साथ किसी दिन। नहीं फहद, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? देखिए फहद, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मैंने अपनी अम्मी अब्बू से आपकी बात नहीं की है, मैं नहीं जा सकती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता दो किसी दिन। ऐसे कैसे बात कर लूं? देखिए फहद, आप अपनी फैमिली में पहले बात करें। आप बात कर लेंगे तो मैं अपने अम्मी अब्बू को भी बता दूंगी। अगर मैं अपनी अम्मी से बात कर लूं तो मुझसे मिलने आ जाओगी? Promise? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वापस। आपके लिए गरम गरम सूप बनाया है, थोड़ा सा पी लीजिए, फिर आपको मेडिसिन देती हूँ। अरे जी, ये तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मेरा। फिर थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा, ध्यान से गरम आया। तुमने बनाया? अच्छा, थोड़ा सा पीने भी मेडिसिन देते हैं आपको। बस एक और। मैंने बस तुम तो दूर है। पीले गए। आप ऐसा करें मुझे भी देख ही नहीं ले जाए। आइए हाँ, ठीक हो बेटा, आप लीजिए। और आप जाओ, ऐसा कर स्टैंड। अरे नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर आओ। नहीं नहीं, ऊपर और बैठी बैठ के खेल देती हूँ। अरे बस कर दो ना, रहने दो, जाओ। आप ये जो आप कर रही हैं ठीक नहीं है। क्या कर रही हूँ मैं? भी वो लड़का ठीक नहीं है आपके लिए, दूर रहे उससे। तुम्हें बड़ा पता है लड़कों के बारे में, पीएचडी की हुई है तुमने। आप मैंने अपने कई दोस्तों से सुना है कि वो लड़कियों में घूमता है और तुम्हारी दोस्तों को कुछ नहीं पता, बकवास करती हैं वो। आप उसके लिए मुझसे लड़ रही हैं? हाँ, मैं तुमसे लड़ रही हूँ। सब पता है मुझे तुम क्या करती हो यूनिवर्सिटी के बहाने। मैंने क्या किया? फहद ने मुझे सब बता दिया। चुनी के बहाने तुम बाहर लड़कों के साथ घूमती हो, सैरिश के साथ पार्टीज करती हो, सब पता है मुझे। आप ही, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं हम। ठीक कह रही हो, तुम तो सच कह रही हो। बचपन से देख रही हूँ मैं तुम्हारी ये हरकतें, मुझे ज्यादा ना बताने की जरूरत नहीं है। आप ही वो जान पूछ के आपको भड़का रहा है ताकि हम उसको एक्सपोज ना करें, और तुम बड़ी तुर्रम खान हो। ठीक है आप ही, आपने जो करना है आप करें, लेकिन जब पछताएंगी तो मुझसे मत कुछ कहिए, तब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। बड़ी मेरी हेल्प करोगे तुम, मेरी मदद करोगे? चलो जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटे, बड़ी देर हो गई, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं ये मिठाई लेने रुक गई थी। मिठाई मिल गई है नौकरी? जी अम्मी, मेरी जॉब कंफर्म हो गई।
के जाओ मेरा बच्चा, मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था यही होगा। डॉली डॉली जरा आना तो। लो भाई मुबारकबाद दोस्त को, नौकरी मिल गई है। कंग्रेचुलेशंस एनी, क्या बात है। थैंक यू। मगर कैसे मिल गई? आई मीन ये तो तुम्हारा पहला इंटरव्यू था ना, पहले इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। मेरी बेटी है, इतनी होनहार, इसे मिल ही जानी थी। बस अब पूरे ध्यान पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है। मुझे तुम्हारे अब्बू को बहुत उम्मीदें हैं तुमसे बेटे। परेशान मत हो मम्मी, मैं आप लोगों को कभी लेट डाउन नहीं करूंगी। चलो जी चाय बनाओ, मजदूर भी आते होंगे, मिलके पियेंगे। अच्छा तो बताओ मुझे क्या क्या पूछा। चाय। थैंक यू। तुम्हारी चाय खाए? मैं पी चुकी हूँ। वैसे अकेले चाय पीने का मजा नहीं आता, अगर चाय के साथ अच्छी कंपनी हो ना तो चाय का मजा दुबाला हो जाता है। आइंदा ख्याल रखूंगी। तुम ऐसी बात मान जाती हो? मतलब तुम पहले ऐसी नहीं थी ना, मुझसे लड़ती थी, मुझसे जिद करती थी, अपनी बात मनवाती थी, वो इतनी जल्दी हथियार डाल देती हो, बहुत बदल गई हो तुम सारा। पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं, पहले में और आप में बहुत फर्क है सान। क्या फर्क है? पहले भी हम दोस्त थे। वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है। अब कल डॉली आ जाएगी ना तो तुम्हें रेस्ट मिल जाएगा। से कोई कमी रह गई है? नहीं, मैं तो बस बता रहा था सारा, तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। डॉली के जाने के बाद जितना तुमने इस घर को संभाला है ना, मैं अकेले नहीं संभाल सकता। वानिया तो तुमने भी बहुत दी है साथ, तुम्हारा भी सफर आसान नहीं था, मुश्किल था। हाँ मुश्किल, लेकिन तुमसे कम था। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है तुमने। खाओगे? थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient speed remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.